आप में से बहुत सारे लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जिसके लिए मुंबई भी आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं, नाम शोहरत पैसा कमाना चाहते हैं, और उसके लिए मेरी वीडियो आप लोग देखते रहते हैं और इसीलिए मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहता हूं। लेकिन आप लोगों की शिकायत है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं देता हूं, यानी आप लोग कमेंट में बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं और उसका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। तो आज भाई आप लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि आप लोगों के जितने भी कमेंट आते हैं, जितने भी वीडियो के, उनमें से कोई कम मतलब एक जर्नल सवाल लिया है, जो अधिकांश जो है नए, जो आप जैसे युवा लोग पूछते हैं, उनके मन में एक डर का सवाल होता है और कभी कभी ऐसा सवाल होता है जिसके जवाब मैं दे नहीं पाता हूँ, मैं उनको क्या जवाब दूँ। तो आज मैंने उन सारे सवालों को लिया है, ऐसे 10 सवाल मेरे पास हैं जिनका आज मैं जवाब दूंगा। देखिए मैं आपको 100% कहता हूँ कि इन 10 में से 5 सवाल तो आपका भी जरूर होगा, आप 5 सवाल ये मुझसे पूछना चाहते होंगे, नहीं भी पूछे होंगे, नहीं भी कमेंट किए होंगे, तो अभी आपके मन में है ये सवाल, तो आज आपको जो है जवाब मिल जाएगा। तो चलिए, मैं हूँ आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और हाँ, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में लाइक देके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई ये एकदम बिल्कुल जनरल सवाल है जो अक्सर आप जैसे लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे युवा लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो ऐसे सवाल जो है ऐसे कमेंट हमसे करते रहते हैं। तो चलिए पहला जो कमेंट है मैं आपसे शुरू करता हूँ। पहला कमेंट ये आता है कि भाई हम पहली बार अकेले जा रहे हैं मुंबई, तो वहाँ कोई हमारा जान पहचान वाला नहीं है, तो हम कैसे वहाँ पर रहेंगे। यानी क्या होता है कि काम की तलाश में आप लोग जो है यहाँ पर आते रहते हैं या आने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके मन में ज़रूर सवाल चलता है कि यार हम बिल्कुल अकेले हैं, कैसे जाएंगे, कैसे हमारा वहाँ गुजर बसर होगा। तो भाई देखिए ऐसा है, आपको कहीं ना कहीं आपको डर भी लगता है, तो मैं आपको ये एक राय देता हूँ। आपसे पहले भी लोग यहाँ पर आए हैं और वो लोग आज अपना अपना कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, तो पहला जब जो होता है ना कहीं भी जाना, हमेशा सब लोग को डर लगता है, लेकिन एक बार जब चले जाते हैं तो वो लोग फिर बाद में क्या होता है उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो आपसे जो पहले आए थे उन्होंने जो है ना एक बार रिस्क लिया और यहाँ पहुँचे और अब कामयाब हो गए हैं, अपना काम वाम कर रहे हैं, और आपके लिए बेनिफिट क्या है कि आप लोग अपने घर पर बैठे बैठे ही यहाँ की सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी इस समय आप मेरा मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो वहीं पर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो आप सोचिए, आज से 10 साल पहले लोगों के पास गूगल नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो भी तो बेचारे बिना जाने समझे यहाँ बिना देखे यहाँ पहुँच चुके, पर वो संभले ना वो लोग। तो आप लोग किस लिए डर रहे हो यार, आपके पास अपना मोबाइल है तो आप यहाँ आने के पहले सारा वीडियो देख लीजिए, मेरी तमाम वीडियो बनी हुई है, रहना खाना ऑडिशन फोडिशन सब के बारे में बना है, वो देख लीजिए, बस का किराया कितना होता है, कहाँ आपको सस्ता घर मिल सकता है, मतलब सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बस उसको देखने के बाद तैयारी कर लीजिए कि मुझे क्या करना, आपका बजट वजट सब आप फिक्स कर लीजिए, मतलब आज आप तैयारी करके आ सकते हैं, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। डरते तो वो लोग हैं जो बिल्कुल मतलब कि बिना देखे समझे ही आ जाते हैं, तो वो परेशान रहते हैं। तो आज के तारीख में आपका जो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना पहले से मोबाइल खोलिए और मुंबई के बारे में, यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में या मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो भाई आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार आ रहे हैं या फिर आप कई बार आइए, इस तरह से आप अपना जो है प्लानिंग करके आइए, तो आपका जो डर है और जो आप जो सोच रहे हैं रहना खाना, वो सब आपको वहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना आपको जानकारी मिल जाएगी, और जानकारी से आओगे तो आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा इन चीज़ों में, तो ध्यान दीजिए। अब दूसरा सवाल बहुत लोग ये पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने से काम मिलेगा, मतलब आप लोग किसी प्रोडक्शन हाउस में या किसी ऐसे यूनियन का पता लगाते हैं या कई ऐसी कंपनियों का पता लगाते हैं, काम पाने के लिए आप सर्च करते हैं और वहाँ पे फिर फ़ोन वोन लगाते हैं, तो फिर वहाँ आपको कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपको काम मिलेगा। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो ये बात जान लीजिए आप कि रजिस्ट्रेशन क्या, रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन भाई। फिल्म इंडस्ट्री में क्या इतना बड़ा कोई सरकारी नौकरी दे रहे हैं लोग, फिल्म इंडस्ट्री में क्या मतलब कि मतलब नौकरी दिन रात 24 घंटा खाली रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ फ्रॉड लोग हैं जो सिर्फ मतलब चाहते हैं कि आप लोग उनको कॉल करें और उसी कॉल से ही पैसा कमा लें, और आपको
कुछ लोग जानकारी के नाम से पैसा कमाना चाहते हैं। आज मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, फ्री देख रहे हैं, यहाँ कोई आपको चार्ज भरना नहीं है, लेकिन आप में से कई लोगों को लगेगा कि ये रामा यादव जो है फालतू की बकवास कर रहा है, इसकी क्या बात सुनेंगे। तो यार फ्री का ज्ञान को लोग वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे कि मेरी वीडियो को भी कई लोग वैल्यू नहीं करते हैं, कोई उसका कोई वो नहीं। अभी इसी वीडियो पे अगर मैं कुछ पैसे वैसे लेकर आप लोगों के ज्ञान बांटूँ ना, तो आप लोग इसको प्रॉपर ध्यान से सुनेंगे। तो वही तरीका होता है, मतलब ये लोग जो है आपको उसी प्रकार से एक चीज़ की, एक जानकारी की एक ऐसी डिमांड, मतलब उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं, उसकी प्राइस रख देते हैं, और आपको बस ये कहेंगे कि हाँ हम आपको काम दिला देंगे या हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपके लिए काम ढूंढ के लाएंगे। तो बस इसी में आप लोग भी सोचते चलो हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या होता है छोटी सी रकम, यानी आप बड़ी रकम तो दे नहीं पाओगे, तो कम से कम छोटी रकम में लिया जाए, तो इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और उससे होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बस आपसे 1,000 रुपये ले लिए, और जिसके तौर पर क्या होगा कि आपको ज़्यादा भी नहीं लूटा गया, और मतलब कि आप अगर ज़्यादा लूट जाएंगे तो आप कंप्लेन वगैरह करेंगे, तो ये वो दुनिया भर का, तो आपको वो इतना रकम ले लेते हैं आपसे कि आप कंप्लेन ना करें, मतलब आपके दिल में ना लगे कि भाई ठीक है 1,000 ही रुपये गए ना, चलो जाने दो। तो इसके लिए वो छोटी अमाउंट में एक रजिस्ट्रेशन के नाम से आपको लूटा जाता है, उससे काम नहीं मिलता। 100% कह रहा हूँ, मेरी बात झूठ लगेगी लेकिन मैं बता रहा हूँ। आप चाहे तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे दिए होंगे, तो क्या काम मिला आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे मांग रहे होंगे पैसा, उनको बिल्कुल मत दो। और इसका इलाज यही है कि आप काम करना चाहते हो तो आप खुद जाइए वहाँ पर, खुद वहाँ पर ऑडिशन वगैरह दीजिए, या फिर आप जहाँ काम करना चाहते हैं वहाँ पे खुद बोलिए कि मुझे, मैं काम करना चाहता हूँ, आप उस एड्रेस पे पहुँचिए, रजिस्ट्रेशन मत करिए, ठीक है। ऐसा सवाल है कि कार्ड बनवाने से काम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कार्ड, क्योंकि आप लोग जहाँ भी काम मांगते होंगे या काम मांगने के लिए गए होंगे, तो वहाँ पे ये कार्ड वाली बात जरूर आई होगी। तो आपको बताता हूँ कि ये कार्ड कई प्रकार के बनते हैं। एक तो कार्ड बहुत असली यूनियन का होता है, असली इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो इंडस्ट्री में कई सालों से काम करते आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी एक संगठन बना के रखी है, एक यूनियन बना के रखा है, जहाँ पर वो सबको इकट्ठा लेकर चलते हैं। वो एक इंडस्ट्री के लोगों ने एक स्थापित किया है। इसी प्रकार से उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कैमरा, डायरेक्टर, एक्टर, इस तरह के जितने भी 40 अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं उनका एक यूनियन है। अब दूसरा क्या है कि दूसरा कई सारे प्रोडक्शन हाउस ने जो है अपना एक संगठन बना के रखा है, वो प्रोडक्शन हाउस वाले एक कार्ड बनाकर देते हैं। तीसरा है राजनीतिक पार्टियाँ, जितने भी पार्टियां हैं मुंबई में, जितने भी जो भी राजनीतिक दल है, इन्होंने अपना भी एक जो है ना संगठन बना लिया है, अपनी भी एक पार्टी का जो है, हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, मतलब वो कार्ड बनाना जो है फिल्म इंडस्ट्री का भी कार्ड बनाकर देना शुरू किया है। तो इन दोनों का तो मुझे पता नहीं ये आपको क्या लालच देते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन हमारी जो यूनियन है, जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की यूनियन है, वो कभी नहीं कहती है कि आप हमारा कार्ड बनवाइए और हम आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम देंगे। ये आपको मैं क्लियर कह देता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के जो लोगों ने, जो यूनियन ने जो बनाया हुआ है, जो अपनी यूनियन जो तैयार की है, उनको पता है कि इंडस्ट्री में कैसे लोग काम कर सकते हैं, जो सीखे हुए होते हैं, जो मतलब कि वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं या जो काम करते हैं, जो काम की तलाश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उन लोगों को ही इंडस्ट्री में काम मिलता है। इस प्रकार से आप उनका कार्ड बना लो और ज़बरदस्ती कहीं भी आप घुस जाओगे, कहोगे कि मैं कार्ड बनवाया हूँ मुझे काम दो, तो इस प्रकार से कोई भी आपको इंडस्ट्री का बंदा काम नहीं देता। इसके लिए वो केवल कार्ड बना के आपको दे सकते हैं, आपको काम नहीं दे सकते, काम तो आपको खुद ढूंढना होगा। तो और बाकी के लोग क्या कहते हैं, किस प्रकार से आपको छलावा देते हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए। आप में से कई सारे लोग होंगे कि यूनियन का ना लेके आपने किसी दूसरे का कार्ड लिया होगा, प्रोडक्शन का या किसी संगठन का, तो आपकी कितनी मदद हुई होगी वो आप ही बता सकते हैं, ठीक। इसी में कार्ड का प्राइस भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि कार्ड जो होता है वो अगर आप मुंबई के किसी अच्छे यूनियन के साथ में काम कार्ड बनवाते हैं, तो वो 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का उसमें जो है खर्च आता है, आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन 5,000 और 25,000 से जो बीच में जो भी आपका जो यूनियन आता है, वो आपको कार्ड बनाने से काम बिल्कुल नहीं देता। हाँ, लेकिन आपकी जो फैसिलिटी होती है, जो उसकी जो बेनिफिट है कार्ड बनाने से, वो आपको ज़रूर वो लोग देते हैं। बाकी इससे नीचे जो आप लोगों को प्राइस बताते होंगे वो क्या प्रकार के हैं, वो आप खुद ही समझ जाइए। आप थोड़ा सा
उसके बारे में सर्च करिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो सवाल है जो अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग, ये लिख के भी भेजते हैं कमेंट में, सर मैं गरीब हूँ, मैं मुंबई आऊँगा तो क्या मुझे काम मिल जाएगा? मेरी वीडियो को बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग देखते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करें तो हमें कुछ अच्छा पैसा मिले ताकि हम अपने घर की स्थिति को सुधार सकें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। पर इसमें जो आप पूछते हैं कि मैं मुंबई आ जाऊँगा तो मुझे काम मिल जाएगा, तो यार ये बताइए कि मुझे नहीं पता है आपके बारे में ज़्यादा। हाँ, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा मैं आपके बारे में क्या जानता हूँ? ये नहीं जानता हूँ कि आप क्या काम करना चाहते हैं, ये नहीं जानता हूँ कि आप स्वस्थ हैं शरीर से, या किसी प्रकार का मैंने आपसे कोई जानकारी नहीं ली है, तो मैं ये कैसे बता दूँ कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत मुश्किल भरा सवाल है ना ये यार। और ना ही तो मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मैं कोई बाबा तो नहीं हूँ कि मैं आँख बंद करके आपको बस आपको आपके बारे में मतलब मैंने ध्यान लगा दिया और आपके बारे में सब पता चल गया, आपके भविष्यवाणी कर दूँ। यार जो चीज़ मैं नहीं कर सकता वो कैसे आपको कह दूँ? और ऐसे कौन सा लोग होगा, ऐसे कौन से मतलब इतना ज़्यादा मतलब डेवलप हो गया कि आपके बस सवाल से ही आपको बस आपके चेहरे को देख कर आपको काम दे देगा? जब तक आप काम करेंगे नहीं, आप आएंगे नहीं इंडस्ट्री में, आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कैसे कोई आपको काम दे देगा? तो यार ये बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ कि आप मुंबई आ जाएंगे और आपको यहीं से बता देता हूँ कि आपको काम मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सवाल मत पूछिएगा, मैंने इसका जवाब आज आपको दे दिया है। अब यहाँ जो है पाँचवा सवाल पूछते हैं कि ऑडिशन देने के लिए रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ता है? भाई ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं कि ऑडिशन फ्री में होता है या उसमें पैसे लगते हैं या उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो यार मैं आपको बता दूं कि ऑडिशन जितने भी होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। यार कास्टिंग वाले या कोऑर्डिनेटर जो भी होता है वो आर्टिस्ट को कलाकारों को ढूंढता रहता है, उसके लिए वो ऑडिशन लेता है, तो भाई उसमें पैसे क्यों लेगा वो? हाँ, कुछ लोग आपसे पैसे मांग रहे होंगे, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के नाम से लेते होंगे, तो यार मैक्सिमम 50 रुपये या 100 रुपये, क्योंकि ऑडिशन अगर ले रहे हैं तो एक कमरा भाड़े पे लिया है, वहाँ पे कैमरा लिया हुआ है, फॉर्म भर रहे हैं, जो उन्होंने जो कमरा भाड़े पे लिया उसका पैसा देना होगा, लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो वो ठीक है, 100 रुपये एक बंदे से ले रहे हैं तो ठीक है, वो भी वहाँ पे ऑडिशन जहाँ आप देने जा रहे हैं वहाँ की बात मैं कह रहा हूँ। अब आपको ऑनलाइन से अगर कुछ कोई 1000-1200 रुपये ले लिया आपका ऑडिशन का, तो भाई वो बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात आपको क्लियर कहूँगा कि भाई ऑडिशन के किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता। बड़े से बड़े लोग ऑडिशन लेते हैं, बड़े से बड़े कंपनियां ऑडिशन लेती है, बड़ी बड़े चैनल ऑडिशन लेते हैं, जो कास्टिंग जो डायरेक्टर था वो ऑडिशन लेता है, वो 1 रुपया भी आपसे नहीं लेता, वो केवल आपकी एक्टिंग को देखता है। अगर आप में अच्छा कलाकार है, वो देखता है कि आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तो आपको उल्टा पैसे देगा, आपसे काम करवाएगा। ऑडिशन के कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिए। छठा सवाल है, हमें डर लगता है कि कोई हमें बेवकूफ़ ना बना दे, कैसे पता चलेगा ये असली है या नकली? सही बात है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि यार हम इनसे कांटेक्ट करें या उनसे कांटेक्ट करें या इनसे बात करें तो ये हमें कोई हमसे हमारा पैसा ले ना ले, हमसे कोई हमको लूट ना ले, ये असली है कि नकली, ये बात आप लोगों के मन में आती है। तो इसका एक सीरियस सही मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखो क्या है कि जो बंदा असली है वो आपके सामने आएगा, जैसे कि मैं, आप मेरी तमाम वीडियो देखते रहते हैं, कई लोग मुंबई में भी बहुत सारे लोग जो आप में से कई लोग आए होंगे, कहीं किसी शूटिंग वगैरह पे आपने देखा हो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं एकदम निडर, ना आपको उल्लू बनाना है ना आपसे पैसे लेना है कुछ नहीं, तो मैं भाई आपके सामने क्या कहते हैं बिना डरे खड़ा हूँ। तो इसी प्रकार के जो लोग होंगे जो कास्टिंग कर रहे होंगे, जो फिल्म लाइन में आपको काम दिलाना चाहते होंगे, वो लोग प्रॉपर अपना वेबसाइट, प्रॉपर तरीके से अपना जो जगह, अपना मोबाइल नंबर और आपके लिए जो आपके जो सवाल है उनका जवाब दे रहे होंगे। चाहे वो कोई एकेडमी खोल के बैठे होंगे, चाहे वो कोई क्लासेस खोल के बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का कास्टिंग का कोई एजेंसी लिया हो, कोई भी होगा, वो अगर जुनून होगा तो अपने बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रखा होगा,
बस आपको जानना जरूरी है कि इन्होंने कितने लोगों को कास्ट किया है, जो कास्ट किया उन्होंने कितने लोगों को मतलब वो कितने लोग काम कर रहे हैं, या ये क्लासेस से कितने लोग सीख के काम कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं आपको वो 100% उन्होंने वो चीज़ें की है कि नहीं की है, ये जानना आपका काम है, खोजना आपका काम है, उनके बारे में सवाल जवाब करना आपका काम है। अगर आपने सवाल जवाब किया ही नहीं, कोई आपको अगर बहुत बता रहा है कि मैंने ये काम किया और उसका आपको प्रमाण दे नहीं पाया, उसका प्रूफ नहीं दे पाया, तो फिर आपकी इसमें वो गलती होगी। और हाँ, लास्ट में आप बेवकूफ़ कब बनते हैं, जब आप किसी को पैसे दे देते हैं लालच में आके, काम पाने के लिए आपने पैसे दे देते हैं, तो वो पैसे लेकर आपके भाग जाता है। तो यार पैसे कोई आपके जेब में हाथ डाल के निकालता है क्या? नहीं ना, आप खुद से निकाल के देते हो, तो यार आप क्यों देते हो, लालच में क्यों आते हो? आप अगर लालच में नहीं आओगे तो आपके पैसे लेके नहीं जाएगा, पैसे लेके नहीं जाएगा तो आप उसे धोखेबाज नहीं कहोगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप दौड़ भाग करिए, इंडस्ट्री में स्ट्रगल करिए, काम को स्वयं ढूंढने जाइए, किसी को काम पे मत लगाइए कि भाई तू जा मेरे लिए काम ढूंढ, मैं मेरे को काम मिलेगा, कि ऐसा आप करेंगे तो भाई वो तो आपको डुबाई देगा। तो समझ चुके हैं, तो असली नकली को खोजबीन आप जितना सवाल पूछेंगे जो आपके जवाब लगातार देगा, जिस प्रकार मैं दे रहा हूँ, तो ये मेरी असली की पहचान है। अब अगर मैं आपको छुपाते जाऊँ, आप बोलो नहीं 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 मेरी बात सुनो, जो आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो सीधी सी बात है, आप उसकी बात सुन रहे हो तो आप उस वो जो आपको बताते जा रहा है वही आप सच मानोगे, तो बस आप धोखे का शिकार हो जाओगे। ठीक है, तो ये तरीका है जानने का और समझने का। सातवां सवाल है कि मैंने किसी प्रोडक्शन हाउस में पैसे दे दिए हैं 1000 रुपये लगभग, अब आगे क्या होगा, मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई ये सवाल अभी अभी मैंने ये वीडियो बनाते वक्त लिया है, अभी किसी का आया हुआ है ये कि हमने किसी को पैसे दे दिए हैं, 1000 रुपये दिए हैं, अब वो हमें काम देगा कि नहीं देगा। देखो दोस्तों, ये बात आपको बता दूँ कि आप कैसे फंसते कैसे हैं और ये लोग आपको कैसे टारगेट कैसे करते हैं। ये जो 1000 रुपये इन्होंने दिए हैं, ये किसी प्रोडक्शन हाउस में इन्फॉर्मेशन इन्होंने फ़ोन ऑन किया है, तो उन्होंने इनको किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन के नाम पे या इन्फॉर्मेशन के नाम पे पैसे ले लिए। होता क्या है कि ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, इनके पास लगातार कॉल आते रहते हैं, तब ये क्या कहते हैं कि फ्री में तो किसी को ज्ञान बांटेंगे नहीं है, किसको बताएंगे, पर लगातार इतने कॉल आते हैं इनको कि ये सोचते हैं कि कम से कम कॉल आए, मतलब इन कॉल में इनका फ़ायदा हो, तो ये क्या करते हैं, अगर 100 कॉल आए तो उनमें से ये 100 को ही बोल देते हैं कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, काम चाहिए, तो हमें आप इतना 1000 रुपये भेजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए हमसे। तो ये क्या होता है, उसमें से 10 या 20 लोग तो इनको पैसे भेज ही देते हैं, आप समझे, मतलब इतने लोग उनको पैसे भेजते हैं तो ये उनमें से 20 लोगों के जवाब देते हैं। अब जिन्होंने पैसे भेजे तो उनको तो 1-2 बार कॉल उठाना ही पड़ेगा, तो भाई आपको भी ये कॉल उठाएंगे, आपसे बातें करेंगे। अब आपने इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उनको 1000 रुपये भेजे हैं, अब क्या होगा, ये समझ चुके हैं कि आप इंटरेस्टिंग हैं, मतलब आप आगे का भी काम करेंगे, तो अब क्या होगा कि अब आपने इनसे काम के बारे में बोल दिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम चाहिए, तो ये आपसे और पैसे की डिमांड करेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि ये आपको काम नहीं देने वाले, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यार इनके पास खुद को काम नहीं है, बैठ गए आप बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्री में किसी के पास काम है तो वो अपना काम करके पैसा कमाएगा ना, ये उल्लू बनाने का दुकान क्यों खोले बैठेगा, आप खुद सोचिए। तो भाई जिसके पास कोई काम नहीं होता वो उल्लू बनाने की जो दुकान खोल के बैठता है, अब मेरे पास काम है, मेरी वीडियो लेट आती है क्योंकि मैं खुद काम करने जाता हूँ, आप समझ रहे हैं, मेरे पास ये यहाँ बैठ के धंधा नहीं कर रहा मैं यूट्यूब पर, मैं अपना काम करके पैसा कमा रहा हूँ, मुझे नहीं जरूरत है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो भाई यही है कि ये लोग क्या है, फिर 1000 रुपये लेके फिर आपको काम दिलाने के बहाने में फिर आपसे और पैसे निकालेंगे। तो जो 20 लोगों ने 1000 रुपये भरे हैं ना, उनमें से ये 20 को कहेंगे कि अब आपको काम चाहिए, तुम्हारे पास ऐसा रोल है वैसा रोल है, अब उसके लिए फिर आपको ये पैसा देना पड़ेगा, तो उनमें से फिर बड़ी पैसे की डिमांड होगी। तो आप जो है ना, आपसे भी अभी डिमांड करेंगे तो आप जरा होशियार रहिएगा, और इसी तरीके से आपसे ये परत दर परत आपसे इन्फॉर्मेशन के नाम पर, काम दिलाने के नाम से ये पैसा लेते जाएंगे, क्योंकि आप दूर से ही पैसा दे रहे हो इनको, या आपने जाके जो भी पैसा दिया है, तो आप जरा होशियार रहिएगा, आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। 8वां सवाल ले रहा हूँ, इसमें ये पूछ रहे हैं कि ऑडिशन इस समय हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हिंदी में स्क्रिप्ट आती है या इंग्लिश में? चलिए, इस समय कोरोना काल में तो सब ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा है,
अगर अभी आप ऑडिशन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए। यहाँ पर मुंबई में कोई अभी जो है चार बंगला महाड़ा अंधेरी या फिर ओशियोरा आराम नगर में अभी ऑडिशन ऐसे कहीं हो नहीं रहा है, आपको ऑनलाइन ऑडिशन ही देना होगा। जो अभी समय लॉकडाउन के बाद जो अभी थोड़ी स्थिति थोड़ी सुधरी हुई है, इसमें अभी भी मतलब 2021 में ही सब सुधरेगा। मतलब जो पहले जाके ऑडिशन देते थे वो अभी 2021 में ही सब होगा। अब बात करते हैं इसमें हिंदी में स्क्रिप्ट मिलती है क्या इंग्लिश में। देखिए भाई, आज आपको मैं कहूँगा कि आज से 10 साल पहले वाला मोबाइल आप इस्तेमाल करो तो क्या आप इस्तेमाल करेंगे? नहीं ना। तो भाई आप स्मार्टफोन आ चुके हैं, स्मार्ट लोग आ चुके हैं, तो यार ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश में ही स्क्रिप्ट आती है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप अब पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। स्क्रिप्ट की बात करूँगा तो भाई देखिए, स्क्रिप्ट जो होती है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में बहुत कम होती है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको स्क्रिप्ट मिल रही है तो आप उनको बोल सकते हैं कि इसे जुड़ा हिंदी में दे दीजिए, या आप ही हिंदी में उसे कन्वर्ट करवा लीजिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर जो कास्टिंग वाले इसलिए देते हैं कि वहीं पर ही आर्टिस्ट की थोड़ी बहुत छटाई हो जाती है। जैसे बहुत सारे ऑडिशन जब देने आते हैं लोग, तो वो इंग्लिश में स्क्रिप्ट इसलिए दे देते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, कमज़ोर है इंग्लिश में, वो वहीं से ही थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश स्क्रिप्ट वो दे देते हैं। और पहले ये भी देखते हैं कि अगर जो भी हम एक्टर को चुने, जिनको हम सेलेक्ट करें, वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में जाने की सोच रहे हैं, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम कम पढ़े लिखे रहेंगे तो भी हमारा चयन हो जाएगा, तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आपका ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा कि आपको इंग्लिश में मिले चाहे हिंदी में मिले, आप ये टेंशन ही दूर हो जाएगा। और ये बेनिफिट भी आपके लिए हो जाएगा कि आप एक्टर के साथ साथ एक अच्छे पढ़े लिखे सभ्य इंसान है, तो आप कोई भी आपको जो भी कोई करेक्टर मिलेगा आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। एक पढ़ा लिखा ही जो व्यक्ति समझ सकता है कि डॉक्टर कैसे लैंग्वेज में बात करेगा, वकील कैसे बात करेगा, करेक्टर जो होता है वो तुरंत कैच कर पाता है। तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये हिंदी और इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट से जो है डर से आप निकल सकते हैं। अगले सवाल पे जाते हैं, और 9वां सवाल लोगों ने पूछा है कि भाई काम पाने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है क्या? अभी मैंने आपको बताया कि ये हिंदी और इंग्लिश स्क्रिप्ट में मैं आगे बताया आपको कि अभी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एक्टर बनने के लिए। तो भाई आपको एक बात कहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा यानी पढ़ाई जो है वो एक नमक के बराबर है। जिस तरह से अगर आप खाने में नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करिए, चाहे फिल्म लाइन का करिए या चाहे कोई भी काम करिए, उसमें पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। वो भी आज 2020-21-22 जो हमारा अभी जो दौर चल रहा है इसमें, तो ये आप बिल्कुल सवाल मत पूछिए, अपने माइंड में निकाल दीजिए। अगर आप पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग में सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए ऐसा काम, आप पढ़ाई को पहले रखिए। अरे यार, एक्टर भले नहीं बन पाए, कम से कम आप दूसरी नौकरी करके आपका गुजर बसर तो कर सकते हो। तो पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में। जितने भी नए लड़के लोग हैं उन सभी को कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये सवाल यहाँ पर लिया है ताकि आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाए। चलिए अब अंतिम सवाल के ऊपर जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि अब तक अभी यहाँ तक आपने पहुँचा है तो आपके सवाल जो आपके माइंड में चल रहे थे वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही ले रहा हूँ। चलिए 10वें सवाल पे जाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जो चीज़ें मुझे लिखकर भेज देते हैं, सर मुझे काम चाहिए और जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए, कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मेरा नंबर ये है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, मुझसे संपर्क करने के लिए या फिर आप लोग काम पाने के लिए नीचे इस तरह की बात लिख देते हैं और अपना नंबर दे देते हैं। तो भाई आप लोगों से एक ही हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग यहाँ पे अपना नंबर मत दें। इससे क्या होता है कि बहुत सारे हमारे वीडियो के नीचे ऐसे लिख देते हैं आप लोग नंबर, और इसी से बहुत सारे जो फ्रॉड लोग हैं, जो उल्लू बनाने वाली जो गैंग है जिनकी दुकान है, वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों से उन्हीं से नंबर ले लेते हैं और आपसे संपर्क करते हैं, और उन्हें पता होता है कि आप
फिल्म लाइन में इंटरेस्ट कर रखते हैं, आप लोग काम की तलाश में, बस आपको जो है वो फिर जो है जाल में फंसाते हैं। तो प्लीज़ मेरा नंबर है वीडियो में, आप लोग ढूंढिए, वीडियो में नंबर मिल जाएगा और वहीं से आप मुझसे संपर्क करिए, लेकिन आप अपना नंबर पर्सनल यहाँ पर कमेंट में मत लिखिए, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। उम्मीद है कि जो आज मैंने 10 सवालों के जवाब दिए हैं उनमें से 5 सवाल तो जरूर आपके मन में होगा जिसका आज आपको जवाब मिल गया। अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है जिसका जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले संडे जरूर आपका जवाब दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो अब लाइक देके जाइएगा, और आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, नहीं पता है तो भाई मैं रामा यादव, मैं फिल्म से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि आप फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।